हेलो एवरीवन, हमारे हर एक वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लर्निंग ट्रिक्स को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको पता ही है कि इस टाइम हम क्लास 12th हिस्ट्री की MCQ की सीरीज कर रहे हैं और लास्ट जो मैंने आपको करवाया था वो चैप्टर हमारा जो 10 है उपनिवेशवाद और देहात, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम उसी का सेकेंड पार्ट करेंगे। जो पहले मैंने आपको करीब 30 क्वेश्चंस करवाए थे उन क्वेश्चंस के आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी उस पर जाके सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दीकू किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, साहूकारों को कहा जाता था दिकू। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग द्वारा ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो ये जो रिपोर्ट है ये 1878 में जो है वो पेश की गई थी। हमने इसको पहले भी पढ़ा था कि दक्कन दंगा आयोग में इसमें क्या था, जो साहूकार हैं जिन्होंने किसानों के साथ गलत किया था, जो उनसे लिखवा लिया करते थे, उनकी ज़मीन गिरवी ले लिया करते थे और बदले में उनको ज़्यादा ब्याज लगा कर दिया करता था, इन सबसे जो साहूकारों के प्रति किसानों के अंदर जो रोष था वो इस दंगे के रूप में भड़का था, ठीक है। तो बाद में उसी की जाँच वगैरह की गई और उसकी रिपोर्ट फिर संसद में पेश की गई, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवी रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था? तो जो पांचवी रिपोर्ट है यह है ईस्ट इंडिया कंपनी के ने जो भी भारत में कार्य वगैरह किया था, कंपनी से क्या मुनाफा हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब की जांच जो है वो जांच करके जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो थी पांचवी रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन किस प्रदेश से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था बंगाल से। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल इसका सही है। फ्रांसिस बुकानन द्वारा खोजी गई खनिजों के नाम बताओ। तो ये जो खनिज है वो है ऑप्शन सी, लौह खनिज और अभ्रक, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन के बारे में हम जानते हैं कि उसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया था कि वो भारत में अलग अलग स्थलों पर जाकर उनका सर्वेक्षण करो, ठीक है। तो इसमें उसने कहाँ पर लोह खनिज और अभ्रक पाया जाता है, इसने अपने सर्वेक्षण में ये पाया था। जोतदारों की जमीन का भाग किसके द्वारा जोता जाता था? तो इसका आंसर है हमारा बटाईदारों द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। दामिन ई कोह क्या था? तो ये एक टाइप की जो जमीन का भाग था, भूभाग था, ठीक है। ये जो भूभाग है ये संथालों को मिला था, ठीक है। ये अंग्रेजों द्वारा संथालों को दिया गया था, ठीक है। तो इसको कहा गया था दामिन ई कोह। यहाँ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में लागू की गई भू राजस्व प्रणालियाँ कौन सी थी? इस्तमरारी बंदोबस्ती, महलवारी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो सारी ही व्यवस्थाएं ये ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी ब्रिटिश काल में लागू की गई थी। टैक्स लेने की एक तरीके से, किसानों से किस तरीके से टैक्स लेना है उस तरीके की इनकी नीतियाँ थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई। संथाल खेती के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते थे? तो हमने पहले भी पढ़ा, जो संथाल थे वो कृषि में बहुत अच्छे से निपुण थे, ठीक है। बाकी पहाड़िया वगैरह उस टाइम के लोगों के मुकाबले में संथालों को खेती करनी बहुत अच्छी तरीके से आती थी, ठीक है। और वो खेती के लिए हल का यूज़ किया करते थे। जो हल है तुम जानते हो ये कुदाल से ज़्यादा अच्छा और एडवांस माना जाता था, ठीक है, होता था, ठीक है। तो ये संथालों हल का यूज़ किया करते थे अपने खेतों में काम करने के लिए। शायद इसी वजह से इनकी जो पैदावार होती है वो भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। पहाड़िया लोग कृषि के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? तो ये लोग प्रयोग किया करते थे कुदाल का। जहाँ पे संथाल हल का यूज़ किया करते थे, ये लोग कुदाल का यूज़ किया करते थे खेती करने के लिए। इस वजह से माना जाता था कि इनकी जो खेती है वो उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी जितनी कि संथालों की हुआ करती थी। नेक्स्ट है, पहाड़िया लोग कौन सी फसल उगाते थे? तो ये उगाते थे ऑप्शन बी, ज्वार, बाजरा, दाल जैसी फसलें हैं ये पहाड़िया लोग उगाते थे। ब्रिटेन का कौन सा शहर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मशहूर था? तो
तो ये कौन सा शहर था? ये था मैनचेस्टर। ये कॉटन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब इसका बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति को कब अपनाया था? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1813 में अपनाया था। किस राजस्व व्यवस्था को अंग्रेज़ों ने लागू नहीं किया था? तो वो था बटाई प्रणाली को अंग्रेज़ों ने लागू नहीं किया था। बाकी सारे के सारे जो हैं हमारे कोई ऑप्शन में, चाहे वो इस्तमरारी हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे रहतवाड़ी हो, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये सब अंग्रेज़ों ने ही भू राजस्व व्यवस्थाएँ शुरू की थी। ठीक है, लेकिन बटाई प्रणाली ऐसी कोई व्यवस्था शुरू उन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि कहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्योंकि एक शब्द पूरे क्वेश्चन का अर्थ बदल देता है। चलो आगे चलते हैं। पहाड़िया लोगों के जीवन की मुख्य विशेषता क्या थी? वो झूम कृषि करते थे, वे समूह में रहते थे, वे जंगलों को बहुत महत्व देते थे, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी में तीनों आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों को दिए गए भूमि के अनुदान पत्र में कौन सी शर्त थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी शर्त थी, मतलब संथालों के साथ अंग्रेज़ों ने जो भूमि अनुदान पत्र जो किया था, जो एग्रीमेंट किया था, उसमें उनकी कौन सी शर्त थी उसके अंदर? ठीक है, उसमें शर्त क्या रखी थी इन लोगों ने? तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे राइट है इसका। जो भूमि का जो दसवां हिस्सा है उसको साफ करके 10 वर्ष के भीतर में उनको जोतना था। ठीक है, ये अग्रीमेंट किया था किसने? संथालों के साथ अंग्रेज़ों ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 3/4 भाग कहाँ से आता था? तो ये आता था अमेरिका से। 1860 से पहले हमने पहले भी पढ़ा था कि अमेरिका था, यहाँ से बहुत कपास ब्रिटेन को जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में जब अमेरिका 1861 में गृह युद्ध में फंस गया था, तब ये आपूर्ति बंद हो गई थी और तब इंडिया से जाने लग गया वहाँ पे जो कॉटन था, यहाँ का जो कपास था वह आपूर्ति ब्रिटेन को इंडिया बाद में करने लग गया। ठीक है, लेकिन 1860 के दशक के आसपास ही अमेरिका ही ब्रिटेन को भेजता था। लेखा बहिया जलाने का कार्यक्रम किस गांव से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था सूपा गांव से, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट है। बर्दवान में की गई जमींदारियों की नीलामी में कितने प्रतिशत फर्जी थी? तो ये थी 95%, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट है। पहाड़िया लोग अपनी झोपड़ियां कहाँ बनाते थे? आम के पेड़ के बीच में, महुआ के पेड़ के बीच में, नीम के पेड़ के बीच में, या फिर इमली के पेड़ के बीच में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इमली के पेड़ के बीच में वो लोग अपनी झोपड़ियां बनाया करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजमहल की पहाड़ियों की श्रृंखला का भाग है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुजरिया पहाड़। औपनिवेशिक काल में तालुकदार का क्या अर्थ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिसके पास क्षेत्रीय इकाई हो उसको बोला जाता था। बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख कौन होते थे? तो ये होते थे जोतदार, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बेनामी शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक काल में किसके लिए किया जाता था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो फर्जी बिक्री हुआ करती थी उसको बेनामी शब्द के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सूपा में किसानों ने विद्रोह कब किया? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 12 मई 1875 में सूपा में किसानों ने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में जितने भी साहूकारों ने जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो बनाए थे, जो भी उनका लेखा बहिया था, वो सब कुछ जला दिया गया था। ऐसे जितने भी कागज़ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें भी किसानों के साथ उनकी ज़मीनों को ले लिया गया था, गिरवी लिया गया था, उनको ज़्यादा ब्याज दिया गया था, ज़्यादा ब्याज उनसे मांगा जा रहा था, ये सारे जो रिकॉर्ड्स थे ज़मींदारों के पास, ये सारे के सारे उन जला दिए गए थे किसानों के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर लागू किया गया था? तो ये था ऑप्शन ए, 19% ज़मीन पर। ठीक है, इसमें क्या था, कौन कौन से एरिया शामिल थे? बंगाल, बिहार, बनारस वगैरह के जो एरिया हैं, इन सारी जगहों पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुल कितने प्रतिशत कृषि भूमि पर लागू किया गया था? तो ये लागू किया था ऑप्शन ए, 51% जो ज़मीन है कृषि उस पर लागू किया गया था। जमींदार समय पर कर क्यों नहीं चुका पाते थे?
कृषि की उपज की कीमतें काफ़ी नीचे थी, प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, कर की राशि बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये सारे ही आंसर बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही जो है रीजंस हैं वो थे जिसकी वजह से जमींदार समय पर टैक्स वगैरह जो अंग्रेज़ों को नहीं चुका पाते थे। दक्खन में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये भू राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये दक्कन में लागू की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को किन देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चाइना और भारत। जो चीन है और भारत है इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार व्यापार करने का अधिकार था। तो ठीक है बच्चों, आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, बाकी इससे जो भी आगे के चैप्टर से आगे के क्वेश्चन से वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको प्लेलिस्ट और बाकी जितने भी पुराने वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोज़ देख लेना। तो ठीक है बच्चों, अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको और भी जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगी वो आपको टाइम पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।